ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुंछ में संदिग्ध ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग पेडलर के पकड़े जाने के बाद पेट्रोलिंग इलाके में सुरक्षा बलों का जो है वो शुरू हो गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुंछ में ये बताया जा रहा है ड्रग तस्कर है जिसे पकड़ा गया है। सुरक्षा बलों ने इसे गिरफ्तार किया। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एलओसी पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है और ऐसे में देखिए लगातार हो रही पेट्रोलिंग का नतीजा है कि संदिग्ध ड्रग तस्कर या फिर सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उन पर नजर बढ़ती जा रही है और इस तरह की गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें शनिवार देर रात ही पुंछ सेक्टर में सेना की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ संदिग्धों को ड्रग तस्करी करते पकड़ा था। क्रॉस फायरिंग में संदिग्ध घायल भी हुआ जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये तस्वीरें भी आपके सामने जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे घने जंगलों के बीच पुंछ बॉर्डर इलाका जो है वहां पर सेना की पेट्रोलिंग जारी है और पेट्रोलिंग का नतीजा है कि इस घनघोर जंगलों में भी कैसे ड्रोन के जरिए या अलग अलग तरीकों से जो ड्रग पेडलिंग की जा रही है उस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कल तो मुठभेड़ भी हुई थी आमने सामने की हुई फायरिंग में। एक ड्रग तस्कर को घायल किया गया और फिलहाल वो सेना की गिरफ्त में है जिसका इलाज किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कहीं और किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त ये लोग ना पाए जाएं।